नमस्कार, आपके अपने रेसिपी प्लानेट चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र की डिश मिसल ब्रेड बनाएंगे। बहुत ही स्पाइसी और टेस्टी होती है ये, आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियो मैं पोस्ट करती रहूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ सके और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या बनाना है। इसके लिए हमें यहाँ पे कट बनाना है, मोट बनाने हैं, पोहा बनाना है और दाल बनानी है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोट बनाते हैं। सबसे पहले हम ये मोट को बॉईल करेंगे। इन मोट को मैंने 10 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखा था और उसके बाद फिर उसमें से पानी निकाल के कपड़े में बांध के 24 घंटे के लिए रखा था। 24 घंटे में आराम से इसमें अंकुर आ जाते हैं। अभी हम इसको बॉईल करेंगे। इसको हम कुकर में डाल के इसके अंदर 1 ग्लास पानी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी, स्वादानुसार नमक। अभी हम इसको ढक्कन लगा के 2 सीटी लगाएंगे। अभी हम चेक कर लेते हैं, ये मोट पक चुके हैं। ये भीगे हुए होते हैं इसलिए 1-2 सीटी में आराम से पक जाते हैं। अभी हम इसको थोड़ी देर साइड में रखेंगे और दाल बनाएंगे। दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे अरहर की दाल ली है, आधी कटोरी। अभी हम इसको अच्छे से धोएंगे। दाल को धो लिया है, इसके अंदर मैंने 1 से 1.5 ग्लास पानी डाला है। अभी हम इसको ढक्कन लगा के 4 सीटी लगाएंगे। अभी दाल भी पक चुकी है। अभी हम इसको तड़का लगाते हैं। तड़का लगाने के लिए गैस पे हमने पतीला रखा है गर्म होने के लिए, वो गर्म हो चुका है। अभी इसके अंदर हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी इसमें हम डालेंगे 2 चुटकी हींग, आधा टीस्पून जीरा और अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन को 1 मिनट तक अच्छे से भून लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। अभी सारे मसाले भून गए हैं, इसके अंदर अभी हम ये बॉईल की हुई दाल डालेंगे और थोड़ा सा गरम पानी, स्वादानुसार नमक। अभी दाल को हम अच्छे से उबाल आने देते हैं। दाल को मैंने ऐसे ही 2-3 मिनट बॉईल होने दिया है। अभी ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। अभी हम गैस को ऑफ़ करते हैं और इसको भी थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं। और अभी हम बनाते हैं कट। कट बनाने के लिए गैस पे पतीला रखा है। अभी हम इसके अंदर तेल डालेंगे। इसमें तेल बहुत ज़्यादा लगता है, 2 टेबल स्पून तेल डाला है मैंने। अभी तेल गर्म हो चुका है। अभी इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून जीरा, हींग, और यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है बारीक काट के, ये डालेंगे। अभी प्याज अच्छे से भून गया है। अभी इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच। अभी अदरक लहसुन भी अच्छे से भून गया है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अभी लाल मिर्च पाउडर को भी भून लिया है। अभी इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी। ये 6 टमाटर को मैंने मिक्सी में पीस के लिया है। इसे अभी हमें तब तक भूनना है जब तक टमाटर पूरा पानी सोख ना ले और तेल ना छूटने लग जाए। अभी टमाटर भी अच्छे से भून गए हैं और ये तेल भी छोड़ने लगा है। अभी इसके अंदर हम पानी डालेंगे, ये गर्म पानी है, नमक स्वादानुसार और थोड़ी सी चीनी। अभी हम इसको उबाल आने देते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कितना अच्छे से इसका कलर आया है, ये ऐसे ही होना चाहिए और खुशबू तो बहुत ही बढ़िया आ रही है। मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अभी इसको एक उबाल आने देते हैं। अब ये अच्छे से 2-3 मिनट के लिए बॉईल हो चुका है। अभी गैस हम बंद कर देते हैं और सर्व करने की तैयारी करते हैं। सर्व करने के लिए सबसे पहले हम मोट डालेंगे इसके अंदर, इसके बाद पोहा डालेंगे। पोहा की रेसिपी मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है, आप आई बटन के ऊपर चेक कर सकते हो। अभी इसके ऊपर ये दाल डालेंगे। अभी ये नमकीन डालेंगे। आप नमकीन में ये पतली सेव, ये गाठिया, ये पोहा बूंदी, ऐसा जो नमकीन आता है वो ले लीजिए। अभी इसके ऊपर एक कट डालेंगे। जब भी ये रेसिपी बनाएंगे तो
सर्व करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि ये कट गर्म होना चाहिए, बाकी चीज़ें ठंडी हो जाएगी तो चलेगा, लेकिन ये कट जो है बिल्कुल उबला हुआ होना चाहिए। बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नींबू और ब्रेड। हमारा ये मिसल ब्रेड तैयार है, आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और आप अगली रेसिपी कौन सी देखना चाहते हैं ये भी बता सकते हैं, मैं जितनी जल्दी हो सके वो रेसिपी पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।